लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में आए दिन पुलिस वालों पर अनगिनत आरोप लगते चले आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर नसरुल्लागंज थाना अंतर्गत ग्राम डिमावर का है, जहां थाना रेहटी में पदस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा नसरुल्लागंज थाना सीमा क्षेत्र में आकर जेसीबी मालिक से रौब जमा कर 1.5 लाख रुपए छीनने और ड्राइवर के साथ मारपीट करने की शिकायत जेसीबी संचालक गणेश चावड़ा ग्राम घुसट जिला देवास द्वारा पुलिस अधीक्षक और नसरुल्लागंज पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश मिश्रा को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की थी। वही हेड कांस्टेबल और फरियादी के साथी के बीच का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा फरियादी को पैसे वापस देने की बात कही जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीहोर पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक सहित 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया, तो वही एएसपी समीर यादव ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। वही जांच की जा रही है, जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देने वाला मैं गांव सकता हूँ, पोस्ट का पास ऐसे लाडले जिला देवास का हूँ। अपनी मशीन चलते थे डिमावर के पास में, वहाँ फेट लेवल पे अचानक पुलिस वाले आए और ड्राइवर के साथ मारपीट की और मेरे को फ़ोन लगाया। ड्राइवर ने ये पैसे मांग कर रहे हैं, तो मेरे पास ड्राइवर के पास पैसे रखे थे, तो उनके पास से छीन लिए 1.5 लाख रुपये से। उसके बाद में भाई 1.5 लाख रुपये लिए, उन्होंने मशीन छोड़ी स्पॉट पर और चले गए। और जो नाम थे सर का, क्या नाम था, नाम दिया, उसके बाद में निकल गया सर वो पैसे। मशीन छोड़ी स्टार्ट पर 1.5 लाख रुपये लिए और निकल गया। मैंने सर कंप्लेंट करी अपने नसरुल्लागंज थाने पे आके, उसके बाद में सर ने बोला कि मैं देखता हूँ आगे तो क्या होता है। जी सर, वो स्कॉर्पियो सर जी, रेहटी थाना के अंतर्गत ये जो प्रथम दृष्टया इस पर एक शिकायत हुई थी, इसकी जाँच SDOP बुधनी को दिया गया है। वो जाँच की रिपोर्ट अभी आना शेष है, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देखा गया था और प्रथम दृष्टया जो संदेह इनके आचरण और इनकी कार्रवाई को लेकर के आया है, उसमें 5 कर्मचारियों को जो रेहटी थाना से संबंधित हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर, 2 प्रधान रक्षक और 3 कांस्टेबल हैं। और रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो फैक्ट्स होंगे उसके मुताबिक अलग से कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।